मॉर्निंग गाइस, है ना। ले मैं आज शायद अपना पांचवा या छठा दिन है और दो दिनों के लिए हमने बस रेस्ट किया। लाइक पेंगोंग लेक से आके थोड़ा बहुत सिटी वगैरह हम लोग घूमे एंड हाँ थोड़ा बहुत खाने वगैरह का प्लेसेस चेकआउट किया। लाइक लामायुरू रेस्टोरेंट करके एक है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको खाने मिलेगी। वहाँ पे हमने टिंग मोमो ट्राई किया एंड उसके बाद एक डोगरा क्या था डोगरा ढाबा ना डोगरा ढाबा करके एक जगह थी, वहाँ पे हम लोगों ने लाइक ब्रेकफास्ट और लंच ट्राई किया। आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे क्या क्या हमने खाया। तो हाँ वो दोनों जगह अच्छे थे। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे खाने के जो जगह है वो सारे एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको बताते रहेंगे। खाने का टाइम मैं मोस्टली व्लॉग नहीं करता, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा जो भी हम लोग खाते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत हवा चल रही है, शायद थोड़ा प्रॉब्लम है ऑडियो में, बट लेट्स सी। तो हाँ अभी अपन लोग निकल चुके हैं, दोपहर हो रहा है और अपने कपड़े वगैरह लाइक वॉशिंग कराने के लिए देने जा रहे हैं। होटल में वॉशिंग मशीन था बट सुखाने वगैरह का पता नहीं हमें क्या जुगाड़ था, बट इसीलिए हम लोगों ने जाके बाज़ार में ही दे देना है, जो मेन मार्केट है वहाँ पे जाके दे देंगे और वो लोग ड्राइंग और जो भी आयरनिंग वगैरह सब कुछ कर देंगे, तो अपना काम ईजी हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट हम लोग निकलेंगे टूअर्स दी ले पैलेस, जो कि बस मेन मार्केट और हमारा जो नाथुला गेस्ट हाउस है वहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। तो हाँ आज आपको मैं ले पैलेस घुमाऊँगा और देखते हैं क्या करते हैं हम आज के दिन, वो सारा कुछ आपको अपडेट देते रहूँगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर व्लॉग टुडे। बस कपड़े अपने यूक्लिन के पास फेंक के एक छोटा सा डोसा वाला मील हम लोगों ने कर लिया, बगल में ही था यूक्लिन के। यूक्लिन थोड़ा आपको मार्केट से थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा, तो वहीं पे बस हम लोगों ने अपने कपड़े दिए और कुछ वहाँ पे केजी वाइज हिसाब होता है, लाइक आपको पर केजी पे करना पड़ता है अबाउट 90 to 100 रुपीज़ एंड हाँ कुछ भी कपड़े आप दे सकते हैं, शायद मोजे और अंडरवेयर ये सब नहीं दे सकते, बट हाँ वहाँ पे हम लोगों ने अपने कपड़े दे दिए और अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। जो अपना ले पैलेस का विजिट है राजा, लाइक आज जो हम लोग विजिट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ से शायद 500-600 मीटर की दूरी पे ही होगा, अभी तक लोकेशन हमने चेक नहीं किया। बट आज उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है इसीलिए मैं हाफ टी शर्ट वगैरह में ही आ गया और यस अच्छा वेदर है आज का दिन घूमने के लिए। अभी काइंड ऑफ 2 बज रहे, तो 2 बजे अभी हम लोग बिंदास घूम पा रहे हैं। लाइक थोड़ी बहुत वो सांस फूलने वाली चीज़ अभी कम हो गई है बट उतनी नहीं है। एंड यही है ले का मार्केट। यहाँ पे जो ओल्ड मार्केट है उसकी गलियों से होते हुए आपको लाइक ऐसे एरिया में निकलना होगा, लाइक ओपन एरिया में। अरे यार ये तो पूरा ही डार्क हो जाता है, कैमरा ऑटो में नहीं है क्या? अबे यार मैंने कैमरा की सेटिंग ही गलत करके रखी थी, तो इसलिए आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा। तो हाँ ओल्ड मार्केट जो है ले का, उस रास्ते से हम लोग आए। लाइक पहले जो न्यू मार्केट था उधर से भी आप आ सकते हो, बट उसी गली में आपको घुसना पड़ेगा और जो यू क्लीन था वहाँ से बस 500 मीटर की दूरी पे ही है। ये पैलेस के बारे में मैं बता रहा था, ये 1600 में बना था, कुछ 420 साल पहले। और हाँ अभी यहाँ पे कोई राजा वगैरह रहते नहीं है एंड और मुझे जो भी वहाँ पे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, बट हाँ राजा लोग अभी सिटी के बाहर ही रहते हैं। एक जगह है कुछ 25-30 किलोमीटर पे, एक वीडियो में मैंने देखा था, तो वहाँ पे वो लोग अभी रहते हैं। एंड क्या हुआ ब्रो इतना शांत शांत क्यों, हम सही जा रहे हैं कि नहीं? हम रास्ते से सही है। तो हाँ यहाँ का रास्ता थोड़ा आप देख सकते हो, ऐसे गली गली में जाना पड़ता है, तो हमें देख देख के जाना पड़ेगा इधर से इधर से। तो देखिए अभी हमें इस रास्ते से जाना होगा ओल्ड लद्दाख गेस्ट हाउस होते हुए, तो बस धीरे धीरे चलते हैं। कैसा लग रहा है ये गली बताइए? लाइक जो मेन सिटी है वहाँ पे तो बहुत थोड़ा बहुत अच्छे रोड वगैरह है, बट यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी गलियाँ, थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है, बट हाँ पीछे का बैकग्राउंड तो मस्त आता है इन रोड्स पे। एंड या
अभी और क्या बताऊँ, वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो चलिए फटाफट ऊपर चलते हैं एंड आपको दिखाता हूँ मैं लेह पैलेस का व्यू यहाँ से, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। ऐसे रास्ते ऊपर जा रहे हैं अभी, है ना, थोड़ा थकने लगे रहेगा, एक हफ्ता रहेगी भी हम लोग लद्दाख की स्टेमिना बिल्ड तो नहीं कर पाए, बट हाँ एक महीने में शायद फिर से इस ट्रैक को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है। सांसों की कीमत आपको यहाँ आके पता चलेगी एंड ऐसे ऐसे रास्तों को क्रॉस करके आप यहाँ पे जो स्पॉट से वहाँ पे पहुँचोगे। हो तो यहाँ से लेह सिटी का व्यू दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो शायद हम जब ऊपर जाते हैं लाइक ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिखने वाला है, क्योंकि इस पैलेस के कुछ 6 लेवल्स हैं। एंड हाँ, ये आपको कुछ एक था टाइगर वाली सीन का याद दिला रहेगा, क्योंकि हाँ वैसा ही एरिया है। आप जाए शायद सुबह आइए या दिन में, बट हाँ थोड़ी बहुत हवा चलते रहती है जो कि सही है, बट आप थक जाओगे फॉर श्योर। कभी भी आप ठंडी में आओगे तो आपको ठंड लगेगी, गर्मी में आओगे तो थोड़ा डबल एनर्जी वेस्ट होगा, बट इतना हैवी भी ट्रैक नहीं है, आप आराम से चलिए। ट्रैक नहीं है हमारे, अब हम अनहेल्दी हैं भाई। क्या क्या, ये ट्रैक भी नहीं एक्चुअली, थोड़ी सी सीढ़ियां और हम थोड़े से अनहेल्दी हो गए लॉकडाउन में बैठे बैठे। लॉकडाउन में बैठे बैठे लोगों ने वेट तो गेन किया ही है एंड हाँ स्टेमिना भी लूज किया ही है डेफिनेटली। कितने दिनों बाद तो इतना मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, इस चढ़ाई के साथ ऑक्सीजन भी कम है, डबल धमाका चल रहा है यहाँ पे। ये देखो यार कौन है भाई जिसने भेजा, मतलब क्या बोलो, हम लोगों ने तो यहाँ पे रेडली बोतल्स यूज किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने मेटल वाली बोतल लेके आए थे एंड उसी से काम चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसका काम हो सकता है गाइस, ये बोतलें फेंकना, बांग्लादेशी पाकिस्तानी या इंडियन, हम ही है भाई, इंडियन ही है यहाँ पे जो घूमने आते और ये गंदगी फैलाते हैं। डेफिनेटली कोई तो बंदा होना चाहिए। डिसलाइक मार के जाएगा भाई, डिसलाइक मारना मार लो, बट जिसने फेंका है ना उसको तो मैं डिसलाइक करता हूँ भाई इस दुनिया से। एंड यू कैन डेफिनेटली डिसलाइक बिकॉज वो भी एंगेजमेंट माना जाता है यूट्यूब के लिए, तो कुछ तो कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए या और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी मार दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा साइन लगा हुआ है, इसे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटें लगी हुई थी, हमें लगा कि ये है एंट्रेंस, बट हम लोग नहीं गए उधर, लकीली विवेक महाराज ने देख लिया उस सिंबल को एंड अभी शायद हम लोग सही रास्ते पे हैं। और मैं भी पता नहीं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ का एंट्रेंस, यहाँ पे तो वाइट कपड़ा लगा हुआ है ब्रो। उरी मिस्टर डॉगी हाउ आर यू, सुने बोला ब्रो, बोल रहे थे ना तुम्हें चाहिए डॉगी। यहाँ पे आप स्कैन करके भी पे कर सकते हो, बट यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था तो अपना पेमेंट गो थ्रू नहीं हुआ, बट वी गॉट द टिकट ऑफलाइन कैश पे करके। अगर आप यहाँ से पे करते हो तो आपको 40 बक्स लगेंगे और ऑफलाइन आपको 50 देने पड़ेंगे और फिर आप जा सकते हो टूवर्ड्स दी ले पैलेस। यहाँ पे दो पपी चिल मार रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप है तो वो लोग छाँव में आके
यहाँ पे चिल मार रहे हैं टिकट काउंटर के पास। तो चलिए अभी आपको फाइनली मैं लेके चलता हूँ इनसाइड द ले पैलेस और दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे। अंदर अगर आप फोटो ले रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, बट अभी हम लोग सेकंड लेवल पे हैं जहाँ पे ये सिटी का पूरा व्यू दिखता है। वहाँ पे मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे तो शूट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अलाउड है। आप यहाँ पे आके लाइक पैलेस के अंदर फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, बट वीडियो वगैरह आपको अलाउड नहीं है, और ना ही इसके लिए आप कुछ पे करके भी लाइक टिकट वगैरह एक्स्ट्रा ले सकते हो फॉर द फोटो वीडियोग्राफी, बट फोटोग्राफी इज़ फ्री। बट ये जो सेकेंड लेवल है यहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है। एंड हाँ सही टाइम है, आप दोपहर को भी आओगे तो यहाँ पे घूम ही सकते हो। यहाँ पे अभी तो ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ही कम लोग, लाइक हम दोनों हैं और दो तीन लोग थे जो लोग निकल रहे थे जैसे ही हम एंटर किए। एंड या इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल यहाँ से जो सेकेंड लेवल है अपना ले पैलेस का। एंड या फोक्स मास्क थोड़ा बहुत पहन के रखना पड़ेगा, मैं क्या करूँ क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़े बहुत लोग हैं। तो ये है ले पैलेस का सिक्स्थ लेवल जो आपको बेहतरीन व्यूज दे रहा है ऑफ द ब्यूटीफुल ले सिटी। एंड हाँ हम लोग यहाँ पे आ गए, शायद यहाँ पे और भी लेवल्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है बट पता नहीं उसका एक्सेस तो शायद है नहीं, या शायद ये जो एरियाज है यहाँ पे आपको जाने नहीं मिलेंगे। इन टोटल यहाँ पे 9 लेवल्स है। एंड आपको यहाँ के बारे में बता दूँ कि ये 1600 में बना था एंड यहाँ पे हाँ राजा रहा करते थे, और अंदर हम लोगों ने बहुत सारी पुरानी फ़ोटो वगैरह देखी राजाओं के, लाइक लद्दाख कैसा दिखता था बहुत पहले जो बहुत सारे फोटोग्राफर्स वगैरह आए थे। एंड या यहाँ से भी एक मोनेस्ट्री है, क्या नाम था ब्रो उस मोनेस्ट्री का? पता नहीं भाई, याद नहीं। ओके उस मोनेस्ट्री का नाम हमें याद नहीं है, बट एक मोनेस्ट्री और भी है यहाँ से जाने के लिए अगर आप सिटी में घूमना चाहते हो तो। एंड हाँ ये 1600 में बना था तो कुछ 400 साल पुराना है। एंड हाँ अभी कोई यहाँ रहता नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक एक जो सेकंड लेवल था वहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में नेचुरल एंड द मैन मेड। एंड थर्ड लेवल पे ऐसा व्यू पॉइंट टाइप है, फोर्थ लेवल पे आप जाओगे तो फोटोग्राफी एग्जिबिशन जैसे जो भी लद्दाख का पुराने फोटोज़ वगैरह और लेह पैलेस के जो लाइक कंजर्वेशन और रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह के फ़ोटो वगैरह थे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी ले पैलेस में। मोस्टली इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। एंड सिक्स लेवल पे आके तो या दिस इज़ द सो फार माई फेवरेट व्यू। शांति स्तूपा से हमें व्यू लाइक हम थोड़ी देर के लिए गए थे तो हम लोग रिटर्न आ गए क्योंकि हमारे पास टाइम था और सुबह का टाइम था। एंड हाँ यहाँ से व्यू तो मस्त दिख रहा है, बट देखते शांति स्तूप किधर है ब्रो? यहाँ से ना दिख नहीं रहा, यहाँ से पूरी सिटी का व्यू तो दिख रहा है बट शांति स्तूप मे बी उस साइड है शांति स्तूप, बट यहाँ से तो दिख नहीं रहा। बट या दिस इज ऑल अबाउट द ले पैलेस, बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे पता चले मैंने आपको बता दी। और एक रॉयल साइन भी था, सॉरी जो थर्ड लेवल था वो एक व्यू पॉइंट था, और फोर्थ लेवल पे रॉयल साइन थी, और रॉयल साइन के बाद फिफ्थ लेवल पे पिक्चर एग्जीबिशन बस थोड़ा ऊपर गया, और सिक्स्थ पे ये है। तो हम देखते हैं गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे क्योंकि मेरा कॉल आ चुका है थोड़ा बहुत काम करने का, लंच ब्रेक अपना ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप काम पे आए हो लाइक वॉकेशन में तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो बस यहाँ से अभी निकलते हैं फटाफट, थोड़ी बहुत काम करता हूँ, देखते हैं शाम को हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही मैं एक एक स्पॉट ही घूम पाऊँगा वीकडे में। लाइक हम सुबह को निकलेंगे या शाम को या लंच टाइम पर निकलेंगे एक दो घंटे के लिए, और ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाते रहूँगा। So yeah, let's see what we do next in the day. So stay tuned. Okay, ले पैलेस के वीडियो के बाद मैं कुछ किया नहीं तो इसीलिए मैंने कुछ अपडेट वगैरह दिया नहीं, तो वैसे ही था अपना इवनिंग। बस ले मार्केट की ओर हम लोग गए और थोड़ा बहुत
डिनर वगैरह किया यूएस पिज़्ज़ा करके एक जगह थी जहाँ पे हमने अपना डिनर किया ऐसे ही हम लोग रात को, और मोस्टली लंच टाइम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहते और हाँ आराम से अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे। लाइक जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि ये काइंड ऑफ मेरा फुल टाइम ट्रिप नहीं है बट मोस्टली वर्केशन ट्रिप है, तो मैं ऑफिस का भी काम वगैरह कर रहा हूँ और ले में चिल मार रहा हूँ। तो हाँ एक चीज़ रह गई थी मेरी बताने के लिए, क्योंकि आपको बताया था मैंने ले पैलेस में रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो जो मैंने बोला था कि 6th लेवल तक आप जा सकते हो बट एक्चुअली आप 9th लेवल तक जा सकते हो। वहाँ पे हम लोग भी गए थे बाद में बट हाँ वहाँ पे जो बंदा था वो आ गया था, इसीलिए मैंने उस एरिया का शूट नहीं किया, लाइक वीडियो नहीं बनाई उस समय पर क्योंकि ये अलाउड नहीं है। बट आपको जैसे मैंने बता दिया पहले आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए, अगर आप सिटी में हो तो डेफिनेटली वहाँ पर जाके आप देख के आ सकते हो। इस ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिली, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और मज़े करते रहिए और क्या अच्छा है लाइफ में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।